फ्रेंड, आज आप लोगों का नेक्स्ट इंग्लिश क्लास शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप लोग आज का इंग्लिश क्लास वर्क करेंगे। आप लोगों का कोर्स बुक है, ये अब तक पहचान लिया होगा आप लोगों ने, अल्फ़ाबेट फेयर इंग्लिश राइटिंग कैपिटल लेटर्स, है ना। अल्फ़ाबेट फेयर इंग्लिश राइटिंग कैपिटल लेटर्स, ये आप लोगों का कोर्स बुक है। इसमें आज आप लोग क्या बनाना सीखेंगे, ई, है ना, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, है ना। तो ये आज पेज नंबर कितना, 14 और पेज नंबर 50, है ना। तो इन दोनों में आप लोगों को क्या बनाना, ई। फर्स्ट पेज में, 14 पेज नंबर में तो पूरा ई को आप लोगों को डॉट के माध्यम से मिला लेना है, लेकिन 15 में आप लोगों को ई खुद से ही बनाना है। चलिए हम लोग आज ई बनाना सीखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, लर्न टू मेक लेटर, मतलब लेटर को किस तरह से बनाना उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेप क्या बताया गया, फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन्स लिया गया है, सेकेंड स्लिपिंग लाइन लिया गया है, थर्ड भी स्लिपिंग लाइन लिया गया, फोर्थ भी स्लिपिंग लाइन लिया गया। तो ये क्या बन गया, ई, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर ई, कैपिटल लेटर वाली ई, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, है ना, एलिफेंट मीन्स हाथी। तो यहाँ देखिए क्या है, अब हम लोग ई बनाना सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन्स खींच लेना है। सेकेंड स्टेप में भी हम लोगों को एक स्टैंडिंग लाइन्स खींचना है, दो स्लिपिंग लाइन्स खींच रही हूँ मैं। और थर्ड स्टेप में फिर क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन्स और थर्ड तीन स्लिपिंग लाइन्स खींचना है। तो ये क्या बन गया, ई बन गया ना। आप देखिए यहाँ क्या है, ट्रेस द लेटर्स ऑन द डॉटेड लाइन्स, लेटर को ट्रेस करना है और डॉटेड लाइन को मिलाना है। देखिए यहाँ मैं मिला रही हूँ, पहला स्टैंडिंग लाइन्स और तीन स्लिपिंग लाइन्स बनाने से ये क्या बन जाता है, ई, है ना। यहाँ तो डॉट दिया हुआ है, ये और आराम से बन जाएगा, लेकिन बनाते बनाते आप लोगों को ई लिखना भी आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये पेज नंबर 14 में है, यहाँ पूरा आप लोगों को डॉट से ई बनाना है। अब हम लोग पेज नंबर 15 में आते हैं। देखिए यहाँ स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द डॉट, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द डॉट, है ना। तो यहाँ डॉट है, पहला तो एक डॉट है जिसमें हम लोगों को मिला लेना है ई, 14 पेज नंबर के जैसा ही, लेकिन सब में फिर एक डॉट, ओनली वन एक डॉट दिया गया है जिसको हम लोग इस ढंग से यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला स्टैंडिंग लाइन्स और तीन स्लिपिंग लाइन्स, ये क्या बन गया, ई, पहला स्टैंडिंग लाइन्स और तीन स्लिपिंग लाइन्स, ये क्या बन गया, ई, है ना। देखिए बन रहा है ना, ये ई, तो ये हो गया ई। इस तरह से आप लोग ये 15 पेज नंबर को भी भर लेंगे। फिर क्या है, सर्किल ई इन द गिवन वर्ड्स, ई को सर्किल करना है नीचे जो वर्ड्स दिया गया है, सिर्फ ई को, ओनली वन ई लेटर को सर्किल करना है। तो यहाँ है ई फॉर ए, तो ई को सर्किल करके दिखाया गया है पहले से। फिर क्या है, एच फॉर हैन, तो यहाँ हैन में ई कौन सा है, ई ये हुआ, हैन मीन्स मुर्गी, ई फॉर एग, एग मीन्स अंडा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और हैन मीन्स मुर्गी। अब यहाँ देखिए क्या है, ई फॉर इनवेलप, इनवेलप यानी लिफाफा, है ना। पहले हम लोग अब आज के डेट में तो मोबाइल से हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग चिट्ठी, ज़रूरी डॉक्यूमेंट, ये सब लिफाफा में ही भेजा जाता था डाक के माध्यम से, है ना। तो ये वही हुआ ई, इन्वेलप, ई फॉर इन्वेलप, इन्वेलप मीन्स लिफाफा। देखिए यहाँ एक ई तो ये रहा, दूसरा ई यहाँ पे आया, तो ये क्या हो गया, सर्किल कर दिया मैंने। और फिर क्या है, सी फॉर कैमल, कैमल यानी, कैमल मीन्स ऊंट, तो कैमल में ई आया यहाँ पे, तो ई को हम लोग सर्किल कर दिए। तो इस तरह से आप लोग 15 पेज नंबर में भी कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरह से इस बॉक्स में भी अपना काम करेंगे। तो ये आज आप लोगों का होमवर्क है, पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 15, इसमें आप लोगों को क्या बनाना है, ई, ई फॉर एलिफेंट, किस बुक में, तो अल्फ़ाबेट फेयर इंग्लिश राइटिंग कैपिटल लेटर्स वाली बुक में पेज नंबर 14 एंड 15 आप लोगों का आज होमवर्क रहेगा। ओके बच्चों, बाय बाय।